गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू श्री एकनाथ राव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम सचिन पाटिल योर कंप्यूटर टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर चैप्टर 4 हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। वर्कशीट फर्स्ट यू राइट योर नेम हियर ऑन द कवर पेज। आई एम राइटिंग माय नेम इन दिस वे। यू कैन राइट योर नेम, your roll number, August computer. See, now in the first page, chapter 4, how a computer works. See, worksheet first. First you write your name here. I am writing my name. In this way you can write your name. How a computer works. See, a computer performs three basic functions. How a computer works means computer performs three basic functions. Computer तीन basic functions निभाता है। कौन से? Accept data, मतलब data को accept करता है। Data means what? Information. कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा मीन्स इनपुट। जो डेटा एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट मतलब लेना। एक्सेप्ट डेटा मतलब लेना। क्या लेना? डेटा लेना मतलब इंफॉर्मेशन लेना। प्रोसेस डेटा मतलब उस पर काम करना। जो डेटा लिया हुआ है उस पर काम करना उसे कहते हैं प्रोसेस डेटा। मतलब इंफॉर्मेशन पर काम करना। प्रोड्यूसेस आउटपुट मतलब क्या? जो डेटा पर काम किया हुआ है उसका आउटपुट दिखाना, उसका रिजल्ट दिखाना। प्रोड्यूसेस आउटपुट मतलब रिजल्ट दिखाना। आए ध्यान में, कौन से तीन फंक्शन पे काम करता है? एक्सेप्ट डेटा, इनपुट, प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। व्हाट? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आए ध्यान में, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, दीज आर द थ्री बेसिक फंक्शंस। किसके ये थ्री बेसिक फंक्शंस? कंप्यूटर के थ्री बेसिक फंक्शंस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आए ध्यान में, अभी वो ये थ्री बेसिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थ्री बेसिक फंक्शन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सी, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कपड़े बनाने का एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। टू मेक अ शर्ट और ड्रेस, हमें शर्ट और ड्रेस बनाना है तो हमें क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए। क्या चाहिए? क्लॉथ। क्लॉथ माने कपड़ा, कपड़ा चाहिए। टू मेक अ शर्ट और ड्रेस क्लॉथ इज नीडेड, तो हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो हियर क्लॉथ इज ए इनपुट। यहाँ पे क्लॉथ क्या हुआ? यहाँ पर इनपुट हुआ। हियर क्लॉथ इज नीडेड, क्लॉथ इज ए इनपुट। यहाँ पर क्लॉथ क्या हुआ? इनपुट हुआ। आए ध्यान में, द क्लॉथ इज देन कट। क्लॉथ को हम लोग क्या करेंगे? कट करने के बाद उसको क्या करेंगे? स्टिच करेंगे। उसको सिलाएंगे। स्टिच करेंगे। कट करने के बाद उसको स्टिच करेंगे। द क्लॉथ इज देन कट एंड स्टिच अकॉर्डिंग टू नीड। जिस तरह से चाहिए उसको उस तरह से कट करेंगे एंड स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड, ये जो कट एंड स्टिच है ये क्या हुआ?
प्रोसेस हुआ, ये क्या हुआ उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे, प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। पहला क्या था, हम लोगों को कपड़ा मिला, उसको क्या कहेंगे, कपड़े को हम लोग इनपुट कहेंगे। उस कपड़े को हम लोगों ने कट किया और उसको सिलाया, कटिंग और स्टिचिंग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। वो प्रोसेसिंग होने के बाद, आफ्टर कटिंग एंड स्टिचिंग, अ शर्ट इज मेड आउट ऑफ द क्लॉथ। उस कपड़े से वो शर्ट बन जाएगा, उसको कट और सिलाई करने के बाद वो क्या बन जाएगा, शर्ट बन जाएगा। एंड उस शर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, विच इज़ द फाइनल आउटपुट, विच इज़ द फाइनल आउटपुट। उस बने बनाए हुए शर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। जो शर्ट बन गया है कटिंग और स्टिचिंग के बाद, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट। तो इस तरह से ही कंप्यूटर का भी वर्क होता है। जैसे हम लोगों ने शर्ट बनाया, शर्ट बनाने के लिए हम लोगों ने पहले कपड़ा लिया, कपड़े को हम लोगों ने, कपड़े को हम लोग इनपुट बोलते हैं। फिर उस कपड़े को हम लोगों ने कट किया, स्टिच किया, कटिंग और स्टिचिंग को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। और वो प्रोसेसिंग होने के बाद जो शर्ट बना, उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। वैसे ही सिमिलरली कंप्यूटर रिसीव्स, कंप्यूटर क्या करता है, रिसीव, क्या करता है, रिसीव इनपुट। कंप्यूटर रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट, एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। सिमिलरली कंप्यूटर रिसीव्स इनपुट, प्रोसेसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। जैसे कि कैसे, दिस इज द कीबोर्ड, दिस इज सीपीयू एंड दिस इज मॉनिटर, करेक्ट। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं, मतलब कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं, क्या देते हैं, कमांड, इन्फॉर्मेशन देते हैं कीबोर्ड से, किसे, सीपीयू को। सीपीयू इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, करेक्ट। तो हम लोगों ने कंप्यूटर को कमांड दिया, इन्फॉर्मेशन दी, तो कंप्यूटर ने उसको क्या किया, प्रोसेस किया उस इन्फॉर्मेशन को, उसने क्या किया, प्रोसेस किया उस इनपुट को, उसने प्रोसेस किया। और वो प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पर वो हमें दिखाया, मॉनिटर पे हमें वो क्या, हमें दिखाया, हा? तो इस तरह से कंप्यूटर का वर्किंग होता है। कीबोर्ड और माउस से वो कंप्यूटर में जाता है और सीपीयू में जाता है, मतलब कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देता है, आए ध्यान में, वेरी गुड। नाउ टर्न द पेज, देखो अभी यहाँ पर, कंप्लीट द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। अभी देखिए यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं, इनका इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट कैसे होता है। ब्रेड, अगर हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड हमारे पास ब्रेड है, तो हम लोग ब्रेड पे प्रोसेस करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, टोस्ट बनेगा। तो ब्रेड पे प्रोसेसिंग क्या होगा, टोस्टिंग होगा, उस ब्रेड पे क्या होगा, टोस्टिंग होगा, ब्रेड टोस्टिंग। ब्रेड टोस्टिंग, ये वाला उधर आएगा, ब्रेड टोस्टिंग, टोस्ट। ब्रेड पे हम लोग प्रोसेस करेंगे, ब्रेड इनपुट है, अगर उस पर प्रोसेस किया तो आउटपुट क्या आएगा, टोस्ट आएगा। वैसे ही यहाँ पे खाली, यहाँ पर क्या लिखना है, ऐसा क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर डर्टी क्लॉथ्स लेंगे, ख़राब कपड़े, क्या लेंगे,
डर्टी क्लॉथ्स, खराब कपड़े, डर्टी क्लॉथेस, डर्टी क्लॉथेस इनपुट लिया, उस पर हम लोगों ने प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया, वॉशिंग, वॉशिंग का प्रोसेस किया हम लोगों ने, उसको वॉश किया, हाँ, वॉश करने के बाद हमें क्या मिला, हमें क्या दिखाई दिया, क्लीन क्लॉथ, धुले हुए कपड़े दिखाई दिए हमें, क्या मिले हमें, धुले हुए कपड़े, हाँ, हमारे पास कैसे कपड़े थे, डर्टी, ख़राब कपड़े थे, हाँ, तो हम लोगों ने उस पर क्या किया, वॉश किया, मतलब प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया, वॉशिंग का प्रोसेस किया, फिर हमें आउटपुट क्या मिला, अच्छे कपड़े, हाँ, वॉश करने के बाद हमें क्या मिला, क्लीन क्लॉथेस मिला। अभी तीसरा एग्जांपल, हमारे पास क्या है, फ्रूट है, क्या है, फ्रूट्स, हम लोगों ने उस पर प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया, उसका जूस बनाया, जूसर बनाया, उसका क्या बनाया, जूस बनाया, आउटपुट के क्या हुआ, जूस, हमें क्या मिला, जूस मिला, क्या मिला, जूस, हमें क्या मिला, जूस, इनपुट फ्रूट्स, हम लोगों ने उसको जूसर से उस पर उसका जूस निकाला और हमें क्या मिला, जूस मिला। अभी अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल, हमारे पास पेंसिल है, हम लोगों ने उस पर प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया, शार्पनर, शार्पनर किया उसको, शार्पनर, हाँ, ध्यान में, हम लोगों ने उस पर शार्पनर किया, इनपुट पेंसिल, प्रोसेस शार्पनर, और हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, शार्प पेंसिल मिला, आया ध्यान में, इस तरह से शार्प पेंसिल मिला हमें, आया, शार्प करने के बाद हमें क्या मिला, शार्प पेंसिल, हाँ, तो इसे कहते हैं इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, आया ध्यान में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इनपुट हैं, कौन से प्रोसेसिंग है, और कौन सा आउटपुट है, वो अब हम लोग देखेंगे, हाँ? देखो इनपुट, इनपुट कौन से इनपुट है, कीबोर्ड एंड माउस, इनका क्या काम क्या होता है, कंप्यूटर को इनपुट देना, कीबोर्ड और माउस, इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर को इनपुट देना, डेटा इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ डेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कॉमा माउस, आया ध्यान में, डेटा इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस और अदर इनपुट डिवाइसेस, आया ध्यान में, कीबोर्ड और माउस से हम लोग कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। नाउ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर कंपोनेंट कॉल्ड सीपीयू, कॉल्ड सीपीयू, क्या कहते हैं उसे, कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर कंपोनेंट कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू कहते हैं, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट, आया ध्यान में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग इज द एक्शन, प्रोसेसिंग इज द एक्शन, प्रोसेसिंग क्या होता है, एक्शन होता है, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग इज द एक्शन टेकन ऑन द डेटा टू कन्वर्ट इट इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, वो एक्शन लेता है डेटा पर और क्या बनाता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन,
क्या बनाता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है. प्रोसेसिंग इज द एक्शन टेकन ऑन द डेटा टू कन्वर्ट इट इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट इज इनपुट टू आउटपुट. आई रन में नाउ टर्न द पेज. आउटपुट what the computers are doing there after processing it will done after the processing how it can see output. Output is the dash dash. Output is the what? Output is the result. Output means what? Output is the result. Result of the process input data. Process input data means what? After completion of processing, the computer shows you the result. What the computer shows you? Result. Understand? Now next. Output may be viewed on the monitor screen. Where we can see? On the monitor screen. Printer can be heard through printer can be heard through a speakers and speakers and headphones. Output may be viewed on a monitor screen, printer, or can be heard through speakers and headphones. These are the output devices. Monitor, speaker, headphone. These are the output devices. These devices can shows us the result. Understand? Now next is storage. Which are the storage devices? Storage. Storage means what? Storage means the devices which can store the information, which can store the data for a long time. That is called storage devices. Which are the storage devices? Pen drive, CD, DVD. So these are the storage devices. Storage refers to the holding of data means they can hold the data for a long time. Storage refers to the holding of data entered into the computer. Understand? Storage refers to the holding of data entered into the computer. Storage devices such as, which are the storage devices? Pen drives, hard disk, CDs, DVDs, etc. These are the storage devices. Which are the storage devices? Pen drives, hard disk, CDs, DVDs. These are the storage devices which are used to store information permanently मतलब हमेशा के लिए और temporarily और थोड़े वक्त के लिए. In this way, we can store the information for permanently and temporarily. Understand? These are called storage devices. Now the next question is what? Tick the correct answer. Which of the following is an input device? कौन सा नीचे दिया हुआ है? कौन सा input device है? Keyboard or monitor? Keyboard is the input device. Understand?
मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस. द आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और इनपुट पोर्टेबल आउटपुट. आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. अंडरस्टैंड. द डैश डैश इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग. द इनपुट इज द आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग. यहाँ पर क्या आएगा? आउटपुट. द आउटपुट आउटपुट द आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग इज डन बाय द सीपीयू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस? सीडी इज द स्टोरेज डिवाइस. अंडरस्टैंड. थैंक यू स्टूडेंट. आई होप द टुडेज सेशन. नाउ वी विल कम द वर्कशीट सेकेंड ऑन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.